नमस्कार दोस्तों, हिंदी न्यूज अफेयर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति एक विचित्र मोड़ ले रही है। यहाँ तक कि आप ऐसा देख लीजिए कि कोई छोटा नेता अगर कुछ बोल रहा हो तो बात समझ में आती है, लेकिन इसमें तो अब एक उच्च स्तरीय जो नेता की कतार है वहाँ से अब अलग अलग तरह के स्वर समझ में आ रहे हैं। वो अलग अलग तरह के बयान दे रहे हैं और जो बयान बिल्कुल ही स्तरहीन है, उनका कोई मतलब नहीं निकलता, इस तरह के बयान हैं। आप ये समझ लीजिए कि वो अपनी विश्वसनीयता खो रहे हैं। दरअसल दोस्तों, खबर कुछ ऐसी है उत्तर प्रदेश की कि अभी अगस्त महीने में 28 तारीख को एक डकैती हो जाती है सुल्तानपुर में। वो एक ज्वेलर के यहाँ डकैती होती है, इसमें काफ़ी लूटपाट हो जाती है। तो विपक्ष के जो लोग थे, इन्होंने योगी सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करे, जो कि करना भी चाहिए, और पूछा कि भाई अभी अपराधी क्यों नहीं पकड़े गए, और आपकी ये सरकार की जिम्मेदारी वो बनती है कि अपराधी पकड़े जाएं और उनको एक उचित जो न्याय संगत सज़ा बनती है वो उनको दी जाए, कठोरतम सज़ा होनी चाहिए। ये उनकी बात बिल्कुल जायज़ थी विपक्ष की। तो दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की जो पुलिस थी, प्रशासन था, लगा भी था उन अपराधियों को ढूंढने में, और एक दिन उनको सफलता मिल जाती है तो उन्होंने उनको पकड़ लिया। अब उसमें से कुछ तो पकड़ में आ गए, कुछ ऐसे थे जो भाग रहे थे तो घायल अवस्था में पकड़े गए, और उसमें से एक ऐसा था जिसको इनकाउंटर हो गया, मतलब गोली उसको मार दिया, वो मर गया। अब दोस्तों, सारी कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है। अब विपक्ष को इससे मतलब नहीं है कि अपराधी मार दिया गया और वो कुछ पकड़ लिए गए, उनको दिक्कत इससे है कि जो अपराधी मरा है, जिसको गोली लगी है, वो एक जाति से, खास जाति से है, जो कि उसका नाम है मंगेश यादव। इसलिए समाजवादी पार्टी के जो प्रमुख हैं, यानी कि अखिलेश यादव जी, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, इन्होंने क्वेश्चन ये किया कि आप जाति देख के इनकाउंटर कर रहे हैं, जबकि आपको बता दें कि ये जो मंगेश यादव है, इसके ऊपर 1,00,000 रुपए का इनाम रखा था पुलिस ने, मतलब कि ये इनामी बदमाश है जिसका इनकाउंटर हुआ है, कोई ऐसा वैसा भी नहीं है। और इसको इनकाउंटर पर अखिलेश यादव जी ने क्वेश्चन खड़े कर दिए कि जात देकर गोली क्यों मारी जा रही, औरों के तो पैरों पे गोली लगी है, इसके सीने पे गोली कैसे लगी है, इस तरह के क्वेश्चन इन्होंने उठाने शुरू कर दिए। अब दोस्तों, समझ में ये नहीं आ रही है कि इनको इनकाउंटर से प्रॉब्लम है या स्पेसिफिक यादव जाति से है वो, इसलिए इनको प्रॉब्लम है। अगर मान लीजिए वो यादव ना हो करके किसी अन्य जाति से होता तो क्या इनकी इनकी पीड़ा ख़त्म हो जाती, या नाम लेते कि ये उस जाति से है। यहाँ पर तो हज़ारों जातियाँ हैं, 6-7 हज़ार जातियाँ हैं, जो जैसा कि ओम प्रकाश राजभर गिनाते हैं उत्तर प्रदेश के जो नेता हैं सुभाषपा के। तो अगर उस तरह से अगर देखें तो फिर 6,000-7,000 जातियाँ हैं, उनमें से एक जाति आपने यादव को पकड़ रखा है, मतलब आप इनकाउंटर में भी आप देख रहे हैं कि यादव हैं कि नहीं है, या मुस्लिम हैं या नहीं है। जबकि अखिलेश यादव जी एक वैसे नेता हैं जो अगर पत्रकार इनसे क्वेश्चन पूछ ले तो ये पत्रकार की जाति पूछ लेते हैं कि आप किस जाति से हो, तो सोच लीजिए कि पत्रकार की जाति पूछना इनकी, ये पूछ लेने वाले व्यक्ति हैं, और इनकाउंटर में ये जाति पूछ रहे हैं कि ये इस जाति से है इसलिए इसका इनकाउंटर किया गया है। अच्छा, एक चीज़ और, अभी इसी जगह आतंकवादी कोई होता, अगर उसने आतंकवाद मचा दिया होता और उसको अगर किसी धर्म के साथ जोड़ा जा रहा होता, तो यही लोग होते, यही अखिलेश यादव होते और दूसरे और नेता होते जो कह रहे होते कि आतंकवाद को किसी धर्म से मत जोड़िए, जबकि सभी लोगों को मालूम है कि आतंकवाद कैसे लोग करते हैं, किस तरह के लोग आतंकवाद में सम्मिलित पाए गए हैं अभी तक। तो दोस्तों, वहाँ पर आतंकवाद के केस में कहेंगे इसको धर्म से मत जोड़ो, ये किसी धर्म से जुड़ी हुई चीज़ नहीं है आतंकवाद, लेकिन जब इनकाउंटर हुआ तो उसको इन्होंने बता दिया कि तुरंत कि एक विशेष जाति, मतलब यादव जाति से हैं इसलिए इनका इनकाउंटर किया गया, अगर ये यादव ना होते तो मतलब इनका इनकाउंटर ना होता। अब क्या पुलिस जब इनकाउंटर करने जाएगी तो क्या वहाँ इंची टेप वगैरह लेकर जाएगी कि अभी हमको जवाब देना है कि इनके सीने पे गोली लग रही है, या पेट पे लग रही है, या पीठ पे लग रही है, या पैर पे लग रही है, अभी या तो इस तरह से पुलिस अब काम करेगी।
जब एनकाउंटर होता है वो कितनी मतलब एक टफ सिचुएशन होती होगी, मतलब सोच कर देखिए कि वो डिसीजन कितनी फास्ट लेने हैं, क्योंकि अगर आपका डिसीजन थोड़ा सा भी गलत हो गया तो अपराधी आपको ऊपर गोली मार देगा, आपके ऊपर वो वार पलटवार हो रहा है तभी तो आप एनकाउंटर के लिए गए, मतलब ये समझ लीजिए। और सबको ऐसा लगता है विपक्ष के लोगों को कि जैसे कि एनकाउंटर सारे ऐसे ही होते हैं, बस मार दिया, लेकिन होता क्या है कि जितने भी एनकाउंटर होते हैं सबकी जुडिशियल जांच होती है, सारे एनकाउंटर्स की, अगर कुछ होगा तो उसमें एक बाहर आएगा ही ये गलत फेक एनकाउंटर है, गलत एनकाउंटर किया गया है, पुलिस को नहीं करना चाहिए था। जैसा अखिलेश यादव की लाइन है, अखिलेश यादव जी की, सेम ऐसा ही कांग्रेस की भी लाइन है, उन्होंने पूरी तरह से अखिलेश यादव जी के बयान को समर्थन दे दिया अपना। उन्होंने कांग्रेस के एक सीनियर लीडर हैं प्रमोद तिवारी जी ने पूरी तरह से अखिलेश यादव जी के बयान का समर्थन किया, मतलब कांग्रेस भी मानती है कि हाँ यादव हैं इसलिए राजनीति उसका एनकाउंटर कर दिया गया, अभी दूसरी कोई जाति से होते तो उसका एनकाउंटर ना होता। लेकिन अभी मुझे याद आता है एक कांड हुआ था बिकरू कांड, वहाँ पर विकास दुबे थे जिनका एनकाउंटर हुआ था, विकास दुबे ब्राह्मण थे, वहाँ पर तो पुलिस ने कोई भेदभाव नहीं किया कि यादव हैं या ब्राह्मण हैं या क्या हैं, उनको गलत एक्टिविटी दिखी, उन्होंने एनकाउंटर किया, विकास दुबे भाग रहे थे, ऐसा सामने आया था कि ये भाग रहे थे, उन्होंने गोली मार दी। अभी उस पर कुछ अगर गलत हुआ होता तो बनी हुई बात है, इतनी आसानी से तो विपक्ष के लोग छोड़ते नहीं कि विकास दुबे का फर्जी एनकाउंटर योगी सरकार कर देगी और अखिलेश यादव जी बिल्कुल हाथ में हाथ रख के बैठे हुए रहेंगे या कांग्रेस शांत बैठी रहेगी, ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो फर्जी कर दिया और ये बच गए। तो ये तो सरकार की तो वैसे भी ये बाल की खाल निकालने में विश्वास रखते हैं लोग, तो विपक्ष का जैसा रोल होना चाहिए वैसा तो ये निभा ही नहीं रहे, ये एक नफरत की चीज़ें कर रहे हैं जो अभी अखिलेश यादव के तरफ से हो रही है। अखिलेश यादव जी को भी सोचना चाहिए कि कुछ भी बात अगर करनी है तो थोड़ी सिंसियर टाइप की बात करें जिससे लोग इनको सीरियसली लें, अगर ऐसे ही बात करेंगे बात बार बार उल्टे ही सीधे जब बयान आएंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा जब लोग उतना ज़्यादा सीरियस लेंगे नहीं, जो कि एक गलत चीज़ है, क्योंकि अखिलेश यादव जी एक बहुत बड़े नेता हैं, एक बड़े से प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, तो एक इनके पास बड़ी जिम्मेदारी भी रही है, और वो एक बार जो जिम्मेदारी आ जाती है जनता की तो वो फिर कभी हटती नहीं है, चाहे आप पद पर रहें या ना रहें, क्योंकि लोगों का आपके ऊपर विश्वास है तो आपको गलत नहीं बोलना चाहिए किसी भी तरीके से, आपके लिए तो अपराधी होना चाहिए वो किसी भी जाति से हो किसी भी धर्म से हो, आपके लिए तो जो अगर अपराधी है उसमें आप जात कैसे ढूंढ सकते हो, क्योंकि अपराधी तो अपराधी होता है, फिर वो अपराधी वो है जिसके ऊपर 1,00,000 रुपये का इनाम था, मतलब ये अपराधी पहले कितने अपराधों को अंजाम दे चुका है और आपको लग रहा है कि वो एक सही व्यक्ति है, उसके सीने पे गोली क्यों लगी, अब पुलिस गोली चलाते समय ये थोड़ा देखेगी कि सीने पे गोली लग रही है पैर पे लग रही है या पीठ पे लग रही है, वो तो आत्मरक्षा में अपने को बचाने के लिए गोली चलाएगी, अब वो गोली सामने वाले को कहीं पर भी लगे, अगर सीने पे लगेगी तो मरेगा, पैर पे लगेगी तो घायल हो जाएगा, अब ये तो उसकी किस्मत के ऊपर भी डिपेंड करता है जिसका एनकाउंटर करने के लिए गोली चलाई गई है, अगर सही जगह लग गई तो एनकाउंटर हो जाएगा सफल। तो इस तरह की चीज़ें जो भी हैं एक सीनियर लीडर को शोभा नहीं देती है, इस पे ये है कि अभी बीजेपी प्रॉपर जवाब इनको दे रही है अखिलेश यादव जी को, तो कम से कम योगी जी के मुझे लगता है कि ये जो कानून व्यवस्था है उसमें तो कम से कम क्वेश्चन मार्क नहीं उठता, क्योंकि कानून व्यवस्था के मामले में योगी जी बहुत ही टाइट हैं, बहुत ही मतलब चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था रखते हैं, इसी का अंजाम है कि उत्तर प्रदेश में शांतिपूर्वक बड़े से बड़े त्यौहार निकल जाते हैं, चाहे वो मुहर्रम हो या कोई दूसरा फेस्टिवल हो जिसमें लगता है कि कुछ गलत हो सकता है, चाहे वो कोई भी इवेंट हो, सब आराम से निकल जाते हैं बिना किसी दंगे के। अब ये डकैती हुई है, उसके अपराधियों को पकड़ लिया गया है, जिसका एनकाउंटर हुआ है वो
एनकाउंटर सामने है, कुछ जो लड़ाई झगड़े कर रहे थे वो घायल अवस्था में पहुंच गए और बिल्कुल कुछ सही सलामत पहुंच गए। ठीक है दोस्तों, अब इस पर कुछ और अपडेट आता है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो लेकर आऊँगा। धन्यवाद।